आज कौन सा पौधा लाए हो बाबा? पी लिया। It's also called as yellow elder, yellow trumpet bush, yellow bells, and Esperanza. ये पतले येलो फ्लावर क्लस्टर में लगते हैं। इसमें 5 सेपल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, 5 पेटल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और इन फंडिबुली फॉर्म यानी फनल शेप्ड हैं। इसमें 4 स्टैमेंस हैं और 1 स्टैमिनोड यानी ऐसा स्टैमेन जो विकसित नहीं हो पाया है, और साथ ही ये पेटल्स के साथ लगे हुए होते हैं। ये प्लांट हमें ज़्यादातर गार्डन ऑर्नामेंटल के रूप में मिल जाएगा। इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत मॉडरेट है और फर्टिलाइज़र की ना के बराबर है। साथ ही ये स्पीशीज़ कोल्ड, हीट और ड्राउट टॉलरेंट भी हैं। इसमें हार्डीनेस बहुत ज़्यादा होती है। हम इसे किसी भी तरीके की सॉइल पर, बशर्ते वो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, उस पर लगा सकते हैं। ये साथ ही रूडरल स्पीशीज़ है, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से डिस्टर्ब्ड कोई जगह, जैसे कहीं पर एवलांच आ गया हो या वाइल्ड फायर हो, ऐसी जगहों पर इजीली अपने आप को कॉलोनाइज कर सकते हैं। साथ ही ये स्पीशीज़ एंटी डायबिटिक और ब्लड प्रेशर को कम करने वाली होती हैं। इनका फोडर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं और इसे हम बीजों के अलावा वेजिटेटिवली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। पर इसकी एक खामी है कि ये एग्रेसिव प्लांट इन्वेडर है, यानी कि बाकी की स्पीशीज़ को ये आउट कम्पीट कर सकते हैं। इस प्लांट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, खास करके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे, वो मिलते हैं बिग्नोनियसी फैमिली, जिसका नाम है जैकरेंडा या ट्रम्पेट क्रीपर फैमिली, और इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है टिकोमा स्टांस। ये भी तो पीला है बाबा।